वन में पढ़ते हम लोग पहले चिनूक। चिनूक जो है ये स्थानीय हवा है, मतलब एक स्थान विशेष पर चलती है। यह हवा उत्तरी अमेरिका में चलने वाली हवा है। कैसी हवा? उत्तरी अमेरिका में। और ये गर्म हवा है। कैसी है? गर्म है। तो यह चलती कैसे है? यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी ढाल पर राकीज पर्वत माला है, या राकीज पर्वत है, उसी से उसके अवतरित होकर यह पूर्वी ढालों पर बहती हुई कहां पहुंचती है? अमेरिका की तरफ। जब अमेरिका में पहुंचती है उस समय वहां पे बर्फबारी हुई होती है। क्या होती है? बर्फ पड़ी होती है। और जब हवा गर्म हवा पहुंचती है वहां पे बर्फ पड़ा होता है, इस हवा के पहुंचने से बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो वहां पे वहां के जो कृषक होते हैं उसके बर्फ पिघलने के बाद गेहूं की खेती करते हैं। क्या करते हैं? गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं की बुआई प्रारंभ करते हैं। इसलिए जब ये चिनूक आता है वहां पहुंचता है तो वहां के किसानों के लिए क्या होता है? मददगार होता है। इसलिए बुआई के लिए, किस चीज की? गेहूं के लिए। इसलिए वहां के किसान या अमेरिकी इसे उपनाम देते हैं। कौन सा उपनाम देते हैं? बर्फ खाने वाली हवा। क्या कहते हैं इसे? बर्फ खाने वाली। क्यों? क्योंकि वहां जब पहुंचती है अमेरिका में तो बर्फ को पिघला देगी। अभी गर्म हवा भी बर्फ निकाल के बाहर रख दे, लू चलेगी, गर्म हवा बहेगी तो बर्फ क्या होगा? तो वही कंडीशन वहां होती है। तो गर्म हवा जब आती है, गर्म हवा माने चिनूक, जब वहां पहुंचता है तो बर्फ क्या करता है? पिघला देता है, जिससे कृषि कार्य के लिए उनके लिए भूमि मिल जाती है और कृषि में सुलभता होती है। इसलिए वहां के किसानों के लिए ये हवा काफी मददगार होती है। ठीक, समझ में आ गया? क्यों उत्तरी अमेरिका में? स्थानीय पर माने किसी स्थान विशेष में चलती है, ये पूरे देश में इसका वितरण नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। ये किसी स्थान विशेष पर इस हवा का वितरण, पूरे स्थान पर नहीं, ये कुछ स्थान विशेष पर ही हवाएं चलती हैं, सभी जगह नहीं चलती। ठीक, आगे लिखिएगा। अब देखिए ये फोहन क्या है? ये भी चिनूक की भांति गर्म हवा है, लेकिन ये चिनूक कहाँ चलता है? उत्तरी अमेरिका में। ये चलता है यूरोप में, यूरोप में आल्पस पर्वत के पूर्वी ढाल की तरफ। ये अवतरित होकर जब आगे पहुंचता है स्विट्जरलैंड में, जब स्विट्जरलैंड में हवाएं पहुंचती हैं तो वहां पे क्या होता है? घास है खूब, घास में क्या होती है? बर्फ पड़ी होती है। लेकिन जब ये फोहन वहां पहुंचता है तो बर्फ क्या करता है? जब बर्फ पिघल जाती है तो क्या होता है? घास के जो मैदान होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? हरे भरे। माने स्विट्जरलैंड में फोहन के आने से क्या आती है? हरियाली आ जाती है। और साथ ही साथ वहां पे अंगूर की खेती, वहां पे अंगूर खेती को क्या करता है? ये काफी लाभदायक होता है, अंगूर खेती काफी विस्तृत होती है, और अंगूर खेती में यह क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। इसलिए उस समय वहां अंगूर के पैदावार में काफी, इसलिए जब शराब की बात आती है, बियर की बात आती है, वो सब वहीं बनते हैं। ठीक, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इसका हम लोग आर्थिकी भूगोल पढ़ेंगे तो आप इस बात पढ़ेंगे, लेकिन वहां अगर ये चीजें पता रहेंगे, वहां अंगूर ज्यादा होता है तो आप तो बता लेंगे वहां क्या उत्पन्न ज्यादा होता है, क्या कम। ठीक, तो अगली हवा हम लोग जो इसके बाद आप अगली हवा लिख लीजिएगा, फिर लिख लीजिए, फिर हम उसे समझा देते हैं। इस समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एक हवा है हरमट्टम, हरमट्टम हवा कहाँ चलती है? देखिए डायरेक्ट लाइन प्रश्न पूछता है, हरमट्टम हवा कहाँ चलती है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ चलती है? अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पे लगभग आपका है, अच्छा सी विस्तार देखेंगे तो यह है आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे है लगभग आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री है। और यही पे आपका सहारा डिजर्ट, सहारा का मरुस्थल यही पे है आपका, सहारा का मरुस्थल विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो हमारे कहां से किधर से किधर बहती है? सहारा के मरुस्थल की तरफ से, माने ये उत्तर पूर्व से किधर की तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ, मतलब जो ये हवाएं बहती हैं इस तरह। ठीक, जो हवाएं किधर बहती हैं? पश्चिम घाट की तरफ, पश्चिम तट की तरफ बहती हैं। जो हवाएं पश्चिम तट की तरफ बहती हैं तो जो पश्चिम तट की आद्र वाली हवाएं हैं, क्योंकि आपकी जो हवाएं होती हैं उसमें काफी आद्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और ये हवाएं गर्म शुष्क होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र से जो हवा आएगी वो कैसी होगी? गर्म होगी, शुष्क होगी। और जब गर्म और शुष्क होगी तो ये इधर की तरफ बढ़ेगी। इन हवाओं में आर्द्रता होती है। आर्द्रता का मतलब, क्योंकि इसके बगल में अटलांटिक महासागर है, इसे आंध्र महासागर कहते हैं। यहां से जो हवाएं चलती हैं उसमें काफी आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, माने वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का विद्यमान होना ही क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहलाता है। और आर्द्रता किसी भी जीवन जनजीवन के लिए काफी नुकसानदेह होता है। जैसे हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है मई जून में, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी कब आती है?
जब बरसात होती है, जुलाई अगस्त में जब बरसात होती है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, उस समय गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और डॉक्टर के यहाँ काफी भीड़ लग जाती है। ऐसा होता है ना, उस समय कहते हैं उमस बहुत हो रही है, उमस बर्दाश्त के बाहर। उमस का मतलब वायुमंडल में जब ह्यूमिडिटी मात्रा बढ़ती है, आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उमस होना। तो इस समय क्या होता है, उमस बहुत ज्यादा होता है, लोग बेहाल हो जाते हैं गर्मी से, मरने लगते हैं। तो जब यह हरमट्टम आता है तो आर्द्रता क्या कर लेता है, सोख लेता है। इससे यहाँ का माहौल कैसा हो जाता है, खुशनुमा, बीमारी भाग जाती है। इसलिए इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बोतल कुछ कब चढ़ता है, गर्मी में नहीं, जब गर्मी के बाद बारिश हो जाती है तब गर्मी खूब बढ़ती, कहते हैं तप रहा जमीन, तपता नहीं, उसमें वायुमंडल में आर्द्रता इतना ज्यादा हो जाता है, नमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बेहाल हो जाता है इंसान। जब बेहाल हो जाता है तो सबसे ज्यादा डॉक्टर के यहाँ, तो यह कंडीशन यहाँ भी होती है भैया, मरुस्थल सहारा का कितनी गर्मी होती है सोच लीजिए। यहाँ जब जलवाष्प यहाँ आएगा, क्योंकि उच्च बनेगा निम्न बनेगा, हवा इधर से इधर तरफ बढ़ेगी, हवा क्या होगी, आर्द्रता होगी, ये हवा इधर आएगी, उसको क्या करेगी, सोख लेगी, जब सोख लेगी आर्द्रता खत्म, आर्द्रता खत्म हो जाएगी, गर्मी बर्दाश्त है लेकिन उमस नहीं, गर्मी बर्दाश्त हो जाएगी लेकिन उमस बर्दाश्त नहीं होती। तो उमस क्या होगा, मरने लगते हैं लोग, जो पता था कम होती है और इसकी उमस की क्या कर लेती हो, खींच लेती है, आर्द्रता माने जलवाष्प खींच लेगी, तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, वहां का स्थान खुशनुमा हो जाएगा। ये खुशनुमा हो जाएगा इसे कौन सी हवा कहेंगे, डॉक्टर हवा। तो डॉक्टर हवा किसे कहते हैं, हरमट्टम कहते हैं। डॉक्टर हवा किसे कहते हैं, हरमट्टम कहते हैं। हरमट्टम कहाँ चलती है, चिनुक कहाँ चलता है, फोहम यूरोप में, हाँ ठीक है। अब आगे लिखे अगली हवा, अब अगली हवा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम क्या है, सिरुकु। यह हवा कहाँ से जन्म लेती है, अफ्रीका के सहारा के मरुस्थल से, और ये मरुस्थल से जन्म लेती कहाँ, 30-35 पे, 30-35 में जन्म लेगी, किधर की तरफ बढ़ेगी, अब हम जानते हैं कि उस समय लो प्रेशर कहाँ है, 60-65 की तरफ बढ़ेगी, ठीक। ये हवाएं किधर बढ़ेंगी, ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, और जब उत्तर की तरफ जाएंगी किधर घूम जाएंगी, अपने दाएं घूम जाएंगी। तो जब हवाएं यहाँ से चलेंगी, हवाएं का मतलब जब यहाँ से यह हवा इधर से चलेगी, यह पवन इधर से चलेगी, तो यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, तो वहां वायुमंडल में क्या रहेगा, बालू के कण। तो उस समय कौन से कण होते हैं, लाल बालू के कण। तो उस समय इस हवा के साथ साथ लाल बालू के कण भी क्या होते हैं, किधर चलते हैं, हवा के साथ। हवा किधर जा रही है, उत्तर की तरफ। जब उत्तर की तरफ पहुंचती है तो यहाँ पे है आपका भूमध्य सागर, क्या है, तो भूमध्य सागर इसको क्या मिल जाता है, जलवाष्प मिल जाता है। अब यहां से हवा जा रही सूखी, एकदम सूखी और गर्म है ना मरुस्थल की हवा, लेकिन जब यहाँ पहुंचे क्या मिल जाता है, जलवाष्प मिल जाता है। और जलवाष्प मिलने के बाद फिर वो आगे बढ़ती है, जो आगे जाती है क्या मिलेगा, यूरोप है। तो यूरोप में कौन सा हिस्सा होगा, दक्षिणी, दक्षिणी यूरोप में पहुंचती है। और दक्षिणी यूरोप में जब पहुंचती है तो बूंद के रूप में क्या होता है, वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। जब वर्षा होता है तो लाल बालू कण के कारण जब बूंदे नीचे गिरती हैं, तो लाल बालू में अगर वर्षा की बूंद रहेगी और प्रकाश पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। तो वहां पे जो वर्षा होती है कैसी होती है, लाल वर्षा होती है। और लाल वर्षा जो होगी उसे ही कहते हैं वहां के स्थानीय लोग खूनी वर्षा की संज्ञा देते हैं। किसकी वर्षा की, खूनी वर्षा, ब्लड रेन कहते हैं। और ब्लड रेन क्या होता है, वहां के अंगूर की फसल के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। माने जब ये जाता है कौन सा, सिरोको हवा, इसे क्या कहते हैं, सिरोको। सिरोको जब जाता है ये कहां से निकलता है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी से, और ये वर्षा कहां करता है, जाके दक्षिणी यूरोप में। और वहां पे कैसी वर्षा, खूनी वर्षा। खूनी वर्षा क्यों, क्योंकि यहाँ से जब जाता है इसमें लाल बालू के कण होते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब बूंद के रूप में नीचे गिरती है तो क्या हो जाता है, लाल दिखाई देता है, जिस कारण इसे लाल वर्षा या खूनी वर्षा कहते हैं। इसे कौन सी हवा कहते हैं, सिरोको हवा कहते हैं। और यह किस फसल के लिए, अंगूर की फसल के लिए काफी हानिकारक होती है। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अंगूर की फसल के लिए कौन सी महत्वपूर्ण थी, अरे कहाँ हर मट्टम पड़े, फिर से याद करें, फोहन अंगूर की फसल के लिए लाभदायक थी, लेकिन सिरोको क्या है, ठीक, फोहन अल्पस पर्वत, पूर्वी ढाल अवतरित होकर बर्फ पिघलाती थी, घास को हरा भरा करती थी, अंगूर को उत्पादन को बढ़ाती थी। इतना जल्दी बोल जाएंगे आप लोग, मतलब पढ़ाना बेकार हो गया।
अब कुछ और ऐसी हवाएं हैं जिनको अलग अलग स्थान सोचने के कारण इसके अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे यहाँ पे अरब, अरब का मरुस्थल, सऊदी अरब जो अरब का मरुस्थल इस स्थान पर है, अरब मरुस्थल से जो इस तरह की हवा चलती है सिरोको टाइप की, तो हम उसको क्या कहते हैं, सीमुक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमुक। और यही मिस्र, इजिप्ट, यहाँ पे है मिस्र या इजिप्ट, पिरामिडों का देश मिस्र, वहां से निकलते उसे क्या कहते हैं, खामसीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खामसीन। लीबिया से निकलती है, ये भी यही है लीबिया, अफ्रीका महाद्वीप में, तो लीबिया से निकलती है, क्या कहते हैं, जिबली। क्या कहते हैं, जिबली। और फिर ट्यूनिशिया से निकलती है, चिली। स्पेन से लेवेस और मिट्रा के द्वीपों में से निकलती है, तो लेस्ट कहते हैं। ठीक, ये उनके प्रमुख ऐसे नाम है, ये स्थान है और इनके नाम है स्थानीय हवा के, एक बार लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली हवा के बारे में, स्थानीय पवन के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अगली हवा जो है पढ़ना है, छठी हवा का नाम था, उसका नाम था मिस्ट्रल। और मिस्ट्रल हवा खासियत क्या थी, ये हवाएं कहां से बहती थी, यूरोप महाद्वीप ऊपर, यूरोप महाद्वीप में बहती है, कहां पे, आल्पस पर्वत के अब उत्तर से किधर की तरफ बढ़ रही है, दक्षिणी ढाल की तरफ बढ़ रही है, स्पेन और फ्रांस की तरफ आती है। और स्पेन और फ्रांस की तरफ जो हवाएं उत्तर से आएंगी, यहाँ पे ठंडी क्षेत्र है, हवाएं क्या होंगी, अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक शीतल होंगी और शुष्क भी होंगी। तो ऐसी हवाओं को जो स्पेन और फ्रांस में चलती हैं और आल्पस पर्वत से आते हुए, उन्हें क्या कहते हैं, मिस्ट्रल हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्ट्रल। अब मिस्ट्रल की खासियत क्या है, ये हवाएं जब यहाँ पे पहुंचती हैं स्पेन और फ्रांस में, स्पेन और फ्रांस में पहुंचने के बाद ये क्या करती है, वहां पर उस समय सर्दी का ऋतु रहता है, लेकिन जब ये पहुंचती हैं वहां के तापमान को और गिरा देती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे लेकर चली जाती है, तापमान कम है पहले से, और अगर मिस्ट्रल आ गया तापमान और कम हो जाता है, तो उससे क्या क्या दिक्कत होती है, जनजीवन प्रभावित होता है और साथ ही साथ अंगूर की खेती के लिए भी हानिकारक होते हैं, माने अंगूर की खेती को भी ये प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ जनजीवन के, या चलो ठंडक बढ़ जाए तो क्या होगा, जनजीवन प्रभावित होगा, और अंगूर की खेती भी, जैसे हमारे आलू बोया जाए और खूब कड़ाई ठंड पड़ जाए क्या मार देगा, वैसे अंगूर को भी कुछ मार देता होगा। ठीक, सुन माया, अब अगली हवा लिखेंगे बोरा। देखिए जो बोरा हवा है यह भी मिस्ट्रल की तरह है, यह भी निकलता है आल्पस पर्वत के पास से, और लेकिन ये किधर तरफ जाता है, वो पश्चिम की तरफ जाता है मिस्ट्रल, और बोरा किधर जाता है, पूर्व। और जब पूर्व तरफ जाता है वहां पे एक देश इटली, आल्पस पर्वत से अवतरित होने के बाद कहां पहुंचता है, इटली में पहुंचता है। जब इटली में पहुंचता है ये ठंडा है, और इटली में भी सर्दी का मौसम, और जब ये पहुंचता है अब ठंडी में ठंडी हवा शीतलहरी और आ जाए तो क्या होगा, तापमान गिर जाएगा, तो इटली के तापमान क्या करता है और कम कर देता है, इटली अथवा उससे जो बोरा से प्रभावित क्षेत्र है वहां के तापमान को और कम कर देता है और नीचे गिरा देता है, इसलिए वहां के जो जनजीवन होता है मानव जीवन को भी क्या करती है, ये प्रभावित करती है, अर्थात बोरा मिस्ट्रल ठंडा करने का काम कर देती है, स्थान क्या करती है, ठंडा कर देती है। ठीक, समझ में आप लोग को। अब अगली हवा हम लोग लिखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, ब्लिजर्ड। देखिए जो ब्लिजर्ड है, ब्लिजर्ड हवा कहां बहती है, ये उत्तरी अमेरिका के जो आर्कटिक, जिसे ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र से हवाएं किधर की तरफ आती है, दक्षिण की तरफ। दक्षिण माने अगर हम अमेरिका महाद्वीप देखें, या अमेरिका महाद्वीप उत्तर आर्कटिक क्षेत्र है, जो कनाडा का क्षेत्र है जहां पर एस्किमो जनजाति भी पाई जाती है, ये वहां से दक्षिणी तरफ माने अपने से दक्षिण अमेरिका की तरफ जब प्रभावित होते हैं, दक्षिण अमेरिका नहीं, अमेरिका में ही उत्तरी क्षेत्र से जब ये दक्षिणी तरफ प्रभावित होते हैं तो ऊपर ठंडक है, बर्फ जमी रहती है, वहां से जो हवाएं आती हैं अत्यधिक ठंडी और शीतल होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्लिजर्ड कहते हैं। ब्लिजर्ड की खासियत क्या होती है, जब यहाँ जिस स्थान पे पहुंचती हैं वहां का तापमान क्या करती हैं, काफी नीचे गिरा देती हैं और साथ ही साथ बर्फबारी भी करने का काम करती हैं। तो ब्लिजर्ड ठंडी है और जिस क्षेत्र में जाती है क्या करती है, बर्फबारी करेगी, जब बर्फबारी करेगी तापमान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, अब बताइए तापमान क्या होगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि ठंडी हवा है। उसी तरह से अगली हवा बुरान है, ये भी किसकी तरह है, ब्लिजर्ड की भांति है, लेकिन ये क्षेत्र का, इसका क्षेत्र अलग है, यह रूस के साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशिया को प्रभावित करती है,
ये भी आर्कटिक क्षेत्र से ही आती है, बुरान भी आर्कटिक क्षेत्र से ही आती है। ये लास्ट है, ये भी ठंडी है, कहां से आती है, चलती है, ये ब्लिजर्ड चलती है उत्तरी अमेरिका में, ये एशिया में तरह चलती है, मध्य एशिया, मंगोलिया, साइबेरिया, इन क्षेत्रों में चलती है, ठंडी हवाएं लेकर आती है, जो हवाएं लेकर आएगी जनजीवन को प्रभावित करेगी, तापमान नीचे करेगी, और इसी को ये बुरान अगर हमारे हिमालय ना होता तो भारत की अगर लिखना होता दशा का वर्णन, ये बुरान से भारत भी प्रभावित हो जाता, हमारे यहाँ भी बर्फबारी खूब होती, ठीक। शीतलहरी का दौर काफी वर्षों, लेकिन हिमालय क्या है, एक पहरेदार के रूप में काम करता है, तो वह नीचे तक इसका बुरान का प्रकोप यहां तक नहीं आने पाता, ठीक। तो ये ब्लिजर्ड की बात ही कहा, मध्य एशिया, मंगोलिया और हाँ लिख लीजिए, बुरान भी लिख लीजिए आप, यह बुरान को लिख लीजिएगा, यह मध्य एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया में उत्तर से दक्षिण की तरफ, साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशिया, उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली अत्यधिक ठंडी बर्फबारी युक्त ब्लिजर्ड की भांति हवाएं हैं, अत्यधिक ठंडी ब्लिजर्ड की भांति हवाएं, अत्यधिक ठंडी और बर्फबारी या बर्फ युक्त बर्फबारी होती है, इसके साथ ठंडी हवाएं हैं। एक लास्ट है जो हम लिखवाएंगे नहीं, वो आप बताएंगे, उसका नाम है लू। लू हम नहीं लिखवाएंगे, हमें उम्मीद करते हैं लू आप जानते होंगे किस ऋतु में चलती है, किस स्थान पर चलती है, ठीक। और एक दो हवाएं जो बची हैं वो कल इस पर हम चर्चा कर लेंगे, खाली भारत में बहती है ये कहां और केवल किस ऋतु में, ठीक। जिसको मारती है उसको बुखार आ जाता है, बताएंगे कल इसको लिखेंगे। कल भारत में दो हवाएं चलती है, एक लू है, किसकी नाम और पैदल है, तो कल उसको पढ़ेंगे लू को। और उम्मीद करते हैं आपको हवाएं समझ में आ गया, स्थानीय हवा, तो समय के वजह से आप लिख भी लिए और समझ में आ गया, एक बार से पढ़ लेंगे। एक हवा हुई बची है लू, और इसलिए नहीं पढ़ा रहे भाद में भी, चलिए अभी हम बता देंगे, क्योंकि अभी अगर हवा जिसको समझ में नहीं आई, जब वर्षा पढ़ेंगे फिर हवा को पढ़ेंगे, क्योंकि वर्षा जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको वर्षा समझ में आ जाएगा, क्यों अभी बताते हैं हम आपसे, वो आगे हम लोग देखेंगे। कारण क्या है, हवा किधर किधर चलती है, उच्च वायुदाब से। अगर कोई हवा सागर से आ रही है उसमें क्या होगा, तो क्या करेगी, वर्षा। लेकिन कोई हवा जब भूमि से जा रही है तो यहाँ पे कौन सा पानी मिलेगा, तो जो हवाएं, जब हवाएं समुद्र समीर होती है तो वर्षा करेंगी, और जब स्थल समीर, मतलब जब स्थल जाएगी तो वर्षा सूखी होगी। भैया बंबई कमाया जाएगा तब क्या होगा, खाली जेबा, टिकट का पैसा लेंगे, और उधर से आएंगे इधर जेबा फूल, इधर जेबा फूल, सेम ये कंडीशन है हवाओं के साथ और वर्षा के साथ, ठीक। जब जल के क्षेत्र से होकर जाएंगे तो वर्षा करेंगे, और जब बंबई कमाए जाएंगे तो खलिए जाएंगे, ठीक। तो वही हवा हवाओं के साथ, लेकिन ये समझ में वर्षा के साथ, हवा समझ में आएगा तो वर्षा समझ में, पूरे विश्व का वर्षा वितरण पढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि वर्षा कैसे होती है, कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर है, कैसे कहाँ मासेराम में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान कहीं सूखा रह जाता है, कभी कभी वर्षा हो जाती है, फिर राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ खूनी वर्षा होती है, खूनी वर्षा, ठीक। और खूनी वर्षा भी पढ़ भी ली हम लोग, खूनी वर्षा कहाँ होती है, हाँ, तो बाकी चीजें बाद में, ठीक। और हाँ, तो सारी हवाओं के बाद पढ़ लीजिए, कल हम पूछेंगे, हाँ ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूछेंगे, और आप लोग जिसे लिखे हुए रख दीजिएगा, आप लोग को बेहतर लगे शेयर कर दीजिएगा सभी को।